नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, 12 दिसंबर को अंतिम चरण का मतदान है और ऐसे में पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो इसके लिए लगातार हर जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रहा है। तो दूसरी ओर भागलपुर जिले में कहलगांव प्रखंड अंतर्गत कई ऐसे पंचायत है जहाँ पर अभी पंचायत चुनाव होने बाकी हैं, तो ऐसे में भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत तो केरिया पंचायत के निवर्तमान मुखिया चंद्रशेखर मंडल ने भी प्रचार प्रसार किया है। बाइक रैली इस दौरान निकाली गई और इस दौरान उनकी पत्नी जो कि उनकी प्रतिनिधि भी हैं, उन्होंने अपने पति के लिए वोट मांगने की लोगों से अपील भी की और इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके पति के नेतृत्व में पंचायत का विकास हुआ है और आगे भी होता रहेगा। और इस दौरान हमारे सहयोगी बिट्टू कुमार ने खास बातचीत की है उनसे, देखिए पूरा इंटरव्यू। जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसा रुझान आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और उत्साह लग रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और जनता मेरे साथ है, जनता मेरे साथ साथ चल रही है, अच्छा लग रहा है। कदम मिल रहा है। कुछ दिन पहले आपका इंटरव्यू लिए थे, उससे अच्छा भी रुझान मिल रहा है या उससे कहीं ज्यादा रुझान मिल रहा है और अच्छा भी लग रहा है? पूरा पंचायत का आदमी है मेरे साथ में। इस बार कार्य में जो किए थे आपके पति मतलब मुखिया जी, क्या क्या कार्य किए थे? वही कौन उस सेड बकरी सेड और पशु निर्माण यही सब किए हैं और वृक्षारोपण का भी काम किए और चल रहा है अच्छा से। कुछ कार्य बच गए थे वो क्या इस बार पूरा हो जाएगा? हाँ, जो भी बचा है थोड़ा बहुत तो पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुणाल कुमार हुआ। आप चंद्रशेखर जी के समर्थक में आए हैं, क्या आपने इसमें देखा है जो आप इनके समर्थक में आए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो पर्सनली जो है इनका व्यक्तिगत बहुत ही सुंदर है और सभी के साथ जो है मिलनसार है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, सभी को बराबर सम्मान देते हैं और उसी का आज ये नतीजा है कि ये जो जन समर्थन हम लोग को मिल रहा है ये उसी का परिणाम है। और क्या क्या कार्य किए हैं आपने देखा होगा 5 साल का कार्यकाल उनका, क्या क्या कार्य इसने अभी तक में किया है? मेरे ख्याल से कार्य तो ऐसा शायद ही कुछ बचा हो जो कि ये नहीं किए हैं और जो कुछ छूट गया है तो इस टर्म में उसको पूरा कर लिया जाएगा। क्या जैसे में कुछ कार्य बताइए? जैसे कि जल नल योजना, वो तो लगभग सभी जगह परिपूर्ण हो चुका है और मनरेगा वगैरह का जितना भी है, पशु सेट निर्माण हो या फिर बकरी सेट निर्माण हो, वृक्षारोपण हो, तो ये लगभग काम हो चुका है। कुछ कार्य अगर बच गया तो इस बार तो अगर जो कुछ काम बच गया है तो उसके लिए तो हम लोग तैयार हैं, अगर जनता हम लोग को फिर से लाती है तो हम लोग उसको पूरा करेंगे। मेरा नाम चंद्रदीप सिंह। आप जो आए हैं या मुखिया जी के समर्थक में, क्या सोच के आए हैं? सब सोच के बहुत विकास का काम कर रहे हैं और मुखिया प्रत्याशी थे लेकिन ऐसा काम कोई नहीं किए, कोई देखिए जो कि अभी क्या कार्य किए हैं। क्या आपका बकरी सेट किया है, मवेशी के रखने का वो भी किया है, पानी यानी चल रहा है? हाँ सब, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ सब चीज़ सब कुछ संपन्न है। जो कसर है वो भी पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हाँ हाँ, इंदिरा आवास भी दिया है, जो कसर है पूरा हो जाएगा। हाँ, सुनैनो देवी। घर जंगल गोपाली। कौन पंचायत के हैं आप? करिया पंचायत के। क्या क्या कार्य आपके मुखिया जी किए? आपके मुखिया मेरा बाथरूम दिया है, गैया को दिया है गौशाला, फिर बकरी पालन दिया है। हाँ। और गली गली रोड भी दे दिया है, नला भी दे दिया है, पानी वानी चलता? हाँ, पानी उनी सब चीज मेरा घर में चलता है, टोटी उटी सब चीज दे दिया है, टोटी उटी सब दे दिया है।